नया दिन है आज और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं हमारे सारे कैमरास को देखते हुए। तो ये सारे कैमरास लगेंगे इस मोनेस्ट्री में, इस गुम्बा में, और ये कुछ कैमरास हैं, सारे कैमरास अभी आए नहीं हैं, और आपके 80% कैमरास आ चुके हैं एंड 20% कैमरा अभी भी बॉम्बे में स्टक हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सम फ्लड इशू। तो जैसे वो क्लियर होता है वो कैमरा भी यहाँ पे आ जाएंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा कैमरा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है कैमराज की। तो जैसे ये कैमराज है आपके 2MP बुलेट IP कैमराज। सो दीज आर ऑल हिकविजन ब्रांडेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो IP67 रेटेड कैमराज, सो दिस इज़ वेरी वेरी वाटरप्रूफ। इसको आउटडोर लगाइए बेफिक्र होके, और बस फिटिंग के ऊपर होना चाहिए कितना आप इसको प्रिसाइजली फिटिंग करते हैं ताकि कहीं से भी पानी ना घुस सके अंदर। नेक्स्ट वी हैव दी 2MP IP डोम कैमरा। सो दीज आर द सेम कॉन्फिगरेशन एज दीज, बट इसमें फ़र्क क्या है, ये इंडोर के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ये आउटडोर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। इसमें भी आपके लो क्वालिटी के भी आते हैं 1 MP के कैमराज या 1.3 MP के कैमराज, बट इस पर्पज़ के लिए, इस लोकेशन के लिए हमारे हिसाब से 2 MP शुड बी गुड। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल कैमरा, इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा। आ जाते इसमें, ये हुए आपके 2 MP वेरी फोकल IP बुलेट कैमरा। इसका एडवांटेज क्या है कि ये कैमरा अप टू 50 meters जूम करके देख लेगा बिना कोई डिस्टॉर्शन या नॉइस के। तो बहुत हैवी कैमरा है ये। इसका अगर मैं आपको एक रफ स्पेसिफिकेशन बताऊं तो इसमें WDR फीचर है। WDR मतलब होता है वाइड डायनेमिक रेंज। इसका मतलब जब आपके बैकग्राउंड में कुछ अंधेरा आ रहा है या लाइट, रात को कुछ आपको नॉइज दिखाई दे रहा है, तो इस वाले कैमरा में वो चीज़ कंपेंसेट कर दिया जाएगा। इसका IR रेटिंग बहुत स्ट्रांग है, इसका वेदर प्रूफ क्वालिटी इज़ वेरी स्ट्रांग। दिस इज़ IP68, सो इससे अ स्टेप अप। तो ये कैमरा लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे इनको बहुत दूर तक देखना है, तो उस लोकेशंस के लिए बेसिकली जो पेरीफेरी है, हम पेरीफेरी में ये कैमरा प्रेफर करते हैं ताकि जो ऑपरेटर है, जो कंट्रोलर है, वो बैठ के इसे जूम इन करके देख सके और जूम आउट करके जूम आउट कर सके कैमरा का। तो ये आपके टोटल अभी 4 कैमराज आए हैं, 2 कैमराज आर स्टिल ऑन द वे। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल कैमरा। दिस इज द 5 MP 180° नेटवर्क कैमरा, और इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं मिनी फिशाई कैमरा। इसका फील्ड ऑफ व्यू है 360°। जैसे इसको आप ऊपर सीलिंग में लगा दीजिए इस तरीके से, और आपका पूरा एरिया का 360° व्यू आ जाएगा इसमें। और इसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू 9 हिस्से में ब्लॉक कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इससे। तो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम गेट्स अ वेरी क्लियर विजन फ्रॉम अ सिंगल कैमरा। मतलब आपका 6 कैमरा का काम एक कैमरा करके दे देगा। बस इसका ड्रॉबैक ये है, इसको थोड़ा हाइट में लगाना होता है। अगर आप इसको लो हाइट में लगाएंगे तो आपका उतना अच्छा कवरेज नहीं दे पाएगा। इसका अगर मैं आपको रेटिंग बताऊं तो ये अप टू 5 MP शॉट करता है 25 FPS में, विच इज़ वेरी गुड। एंड इसका लेंस इतना ज़्यादा वाइड है, इट्स जस्ट 1.05 mm। अब हम देखते हैं स्विच की तरफ। ये है आपका 9-port 10x100 Mbps अनमैनेज्ड POE स्विच फ्रॉम हिकविजन। इसका बेनिफिट ये है कि ये आपका पावर भी देगा और नेटवर्क भी एस्टेब्लिश करेगा। ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का पैकेजिंग किया गया है। और ये रहा आपका स्विच। ये स्विच में बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 POE स्विच का पॉइंट दिया हुआ है और 1 लाइन कनेक्टर का पॉइंट दिया हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 आपका लिंक के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। और इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है इंडस्ट्री में। और यहाँ पे एक एक्सटेंड का भी फीचर दिया हुआ है, ऑफ या ऑन। एक्सटेंड ऑन करने से आप काफ़ी दूर तक इसको कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आपका अर्थिंग का स्विच दे दिया है, इसके अंदर आपका पावर का स्विच दे दिया है। इसका जो पावर एडाप्टर है ये भी बहुत स्पेशल है। ये देखिए, स्विच वगैरह का सबसे मेन इंपॉर्टेंट खेल होता है पावर, कि पावर कितना अच्छा जा रहा है। क्योंकि लाइटनिंग वगैरह होगा सबसे पहले पावर इज़ द एडाप्टर इज़ द वन थिंग जो ख़राब हो जाते हैं। तो फॉर्चुनेटली इस केस में ये नहीं है,
और ये आपका है एक यूज़र मैनुअल, इसमें भी स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, जबकि उतना दरकार है नहीं। तो पैक कर देते हैं। तो फाइनली अब हमारा सारा कैमरा आ चुका है, वी हैव ऑल द कैमराज विद अस एज ऑफ नाउ। एंड जो कैमरा नहीं आया था वो था ये है आपका हिकविजन का 2 मेगापिक्सल वेरी फोकल आईपी डोम कैमरा। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल कैमरा, ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है, बट यहाँ पे गुम्बा के अंदर इनको बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए थी, जिनमें इनको बहुत जूम इन करके जहाँ डोनेशन देते हैं लोग उन उस चीज़ को कैप्चर करना था, इसीलिए हमने इसको यहाँ प्रिफर किया गया है। तो टोटल में 4 पीसेज है, ये 2 अभी हमारे पास है, 2 ऑन द वे है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कैमरा, ये है आपका हिकविजन 4 मेगापिक्सल आईपी वेरी फोकल बुलेट कैमरा। इसका बॉडी उसी तरह है जिस तरह से आपका 2 मेगापिक्सल वेरी फोकल का बॉडी था, बट इसका जो लेंस है ये बहुत हाई क्वालिटी का है, और इसमें एक स्पेशल बात ये है कि ये हुआ आपका मोटराइज्ड वेरी फोकल। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरा दैट वी आर यूजिंग हियर। इसका मतलब क्या हुआ, आप माउस से इसको जूम इन कर सकते हैं अप टू 50 मीटर, कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस लेगा इस चीज़ को, और फोकस लेने के बाद अपने आप इसको सेट करेगा कैमरा को, द क्वालिटी विल नॉट गेट डिग्रेडेड। और बाकी कैमरा में क्या होता है, आपको मैन्युअली लेंस को आगे पीछे चेंज करना होता है, बट दिस इज़ अ प्योर वेरी फोकस जूम कैमरा, जिसमें आपको जूमिंग का जो एडवांटेज है वो आप इसमें ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वन ऑफ द बेस्ट NVR दैट हिकविजन मेक्स, जो कंज्यूमर लेवल में बहुत सक्सेसफुल है। इसको कहते हैं हिकविजन 7700 सीरीज का ये NVR है, ये है आपका 32 चैनल, मतलब इसमें 32 IP कैमरा आप लगा सकते हैं, और 4 हार्ड डिस्क, दिस इज़ दी K4 सीरीज, इसमें आप 4 हार्ड डिस्क का लगाने का जगह है इसमें। हम लोग इसमें 4 हार्ड डिस्क लगा रहे हैं अभी, जस्ट बिकॉज एक हार्ड डिस्क हम प्रोविजन फ्यूचर का रखना चाहते हैं, कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम उसके अकॉर्डिंग में एक हार्ड डिस्क लगा देंगे। तो इसका आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, इसका पूरा मेटल बॉडी है। आइए बेस्ट मॉडल अवेलेबल फ्रॉम हिकविजन। इट हैज़ गॉट 16 अलार्म इनपुट पोर्ट्स इन इट एंड अ USB 3.0 जैक। इसके साथ इसमें 2 LAN कनेक्शंस का ऑप्शन है, जो कि बहुत कम NVR में आपको दिया जाता है। इसके अंदर इनबिल्ट पावर सप्लाई का प्रोविजन है फॉर बेटर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। इट्स अ फुल मेटल बॉडी, आप देख सकते हैं इसमें, एंड यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसको रख दीजिए साइड में। इसके बाद इसमें एक्सेसरीज किट आया जाता है, ये किट में आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोलर, 4 साटा केबल, 2 क्लैंप जो आप माउंट में लगा सकते हैं, रैक में माउंट कर सकते हैं, एक हाई क्वालिटी का माउस, इसका पावर केबल, कुछ स्क्रूज और एक नेटवर्क केबल भी इसमें दिया जाता है। तो ये हुआ इसका अनबॉक्सिंग।